अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ वनीला केक। इसे बनाना बहुत आसान है। मैंने इसे बहुत आसान तरीके से बनाया है, तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ले ली हूँ यहाँ पे 1 कप मैदा। आप कप के जगह पे कोई भी बर्तन ले सकते हैं, बस मेजरमेंट का खास ध्यान रखिएगा। 1 टीस्पून ले ली हूँ मैं बेकिंग पाउडर। 1/2 टीस्पून ले लूँगी मैं बेकिंग सोडा। देखिए 1/2 टीस्पून है ये, और मैं इसे अच्छे से छान लूँगी ताकि ये सब एक साथ मिक्स हो जाए। अब हम इसे अच्छे से मिला देंगे और इसे साइड में रख देंगे। मैं मिक्सर का जार ले ली हूँ, बड़ा वाला मिक्सर का जार लेना है। उसमें मैं डाल दूँगी 2 अंडे। अगर आप अंडा नहीं डालना चाहते तो आप 1/2 कप दही ले सकते हैं अंडे की जगह पर। अब मैं इसमें डाल दूँगी चीनी, ये भी 1/2 कप चीनी है उसी कप से। और उसी कप से मैं सेम ली हूँ तेल। मैं तेल ली हूँ, आप चाहें तो बटर, मेल्टेड बटर या फिर घी ले सकते हैं 1/2 कप। अब हम इसे 1 मिनट तक फेंट लेंगे। हमारा मिक्सचर बिल्कुल क्रीमी हो जाना चाहिए। ये देखिए मैंने 1 मिनट चला ली हूँ और देखिए कैसा बिल्कुल क्रीमी हो चुका है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूंगी। सारे बैटर को अच्छे से बाउल में रख लूंगी और हम इसे ओवन में नहीं बनाएंगे, इसे कढ़ाई में बनाएंगे। तो कढ़ाई को मैं रख दी हूँ प्री हीट होने के लिए। आपके पास ऐसा रिंग है तो आप रख सकते हैं, नहीं तो हमारे चूल्हे का जो ये बर्तन होता है ऐसा, ये भी रख सकते हैं। इसे ढक देंगे और इसको गर्म होने देंगे। इस तरह से ढक्कन लगा देंगे अच्छे से और इसको छोड़ देंगे गर्म होने के लिए। और अभी हम अपना बैटर तैयार कर लेंगे। ये हमारा बैटर है, अब इसमें डाल देंगे मैदा। थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे और इसे आराम से हल्के हाथ से मिला लेंगे। हमें ज़्यादा फेंटना नहीं है, बस अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा थोड़ा करके हम डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। बाकी का भी डाल देंगे इसमें। अच्छे से मिक्स कर ली हूँ मैं। अब मैं इसमें डालूंगी 1/4 कप दूध। थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी मैं, बैटर गाढ़ा है हमारा, इसके लिए थोड़ा सा इसमें दूध डालना है। तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि ज़्यादा पतला ना हो जाए। देखिए पूरा 1/4 कप दूध इसमें चला गया। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है और ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी वनीला एसेंस 1 टीस्पून। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। रेडी हो चुका है। मैं एल्यूमिनियम का एक बर्तन ले ली हूँ इस तरह का, उसमें मैं तेल लगा लूँगी अच्छे से हर तरफ, अंदर की साइड में हर जगह तेल लगा लेना है। फिर मैं इसमें डाल दूंगी, अगर आपके पास बटर पेपर है तो बटर पेपर डाल दीजिए, नहीं तो इस तरह का पेपर डाल के उसके ऊपर से अच्छे से तेल लगा दीजिए। ये भी बटर पेपर का ही काम करता है। ये देखिए बर्तन रेडी है, अब हम इसमें डाल देंगे अपना बैटर। अच्छे से सारे बैटर को इसमें डाल देंगे। और
इसे अच्छे से टैप कर लेंगे। सब एक बराबर हो जाए, अच्छे से टैप करना है हमें। हमारा कढ़ाई भी अच्छा गर्म हो चुका है, बैटर इसमें रख देंगे हम। इसे ढक देंगे और 25 से 30 मिनट तक हमें इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। हमें फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है। हमें इसे बेक करते हुए 35 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए, चाकू डाल के मैंने चेक किया हूँ, इसमें चाकू में बिल्कुल भी लगकर नहीं आ रहा है, मतलब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं इसे ठंडा होने दूंगी थोड़े देर। अब हम इसे चाकू की मदद से इसका साइड छोड़ा लेंगे और फिर एक बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए, देखिए कितनी आसानी से निकल गया है। पेपर को भी निकाल लेंगे। देखिए, पीछे साइड में भी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। देखिए कितना स्पंजी बना है, बिल्कुल परफेक्ट। आप भी इसे घर में आसानी से बना सकते हैं। आप भी इसे आसानी से बनाइए घर में। ये बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है। देखिए, हम इसे कट करके दिखाते हैं। ये अंदर से भी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, देखिए कितना स्पॉन्जी है।